गाजीपुर से अमित उपाध्याय, पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। डीएम ने प्रशिक्षण सत्र में लेखपालों को संबोधित करते हुए कहा, लेखपाल राजस्व विभाग व प्रशासन की मजबूत कड़ी। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने सोमवार को जिला पंचायत सभागार में लेखपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम 2024-25 नवनियुक्त लेखपालों के प्रशिक्षण सत्र का मौ सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण सत्र में लेखपालों को संबोधित करते हुए कहा कि लेखपाल राजस्व विभाग व प्रशासन की मजबूत कड़ी है। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा में लेखपालों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी लेखपालों से अपने सकारात्मक कार्यों से आम जनमानस को सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की। कहा कि शासन प्रशासन और समाज के हित में कार्य करने के साथ ही ऐसा कोई कार्य न करे जिससे शासन प्रशासन की छवि धूमिल हो। जिलाधिकारी ने कहा कि यह बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सभी को जनता के बीच रहकर उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। बिना किसी शर्त के सम्मानपूर्वक अपनी सेवाएं दें। किसी के दबाव में आकर या प्रलोभन में पलटकर कभी कोई गलत कार्य न करें और अपनी रिपोर्ट से समय व सही लगाएं, जिससे कि आगे की कार्यवाही तेजी से हो सके और आम जनमानस को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जो सिखाया जाए उसे पूरी मेहनत और लगन से सीखने का प्रयास करें, अच्छा प्रदर्शन करें, जो भी कार्य आपको दिए जाए उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। अंश निर्धारण, जमीन की पैमाइश, खसरा खतौनी, पट्टे का सत्यापन इत्यादि को गहनता से सीखे, जिससे फील्ड में काम पूरी निष्पक्षता व मजबूती से कर सकेंगे। इस दौरान कुल 173 लेखपालों को प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण एक वर्षीय है, जिसमें 6 माह प्रशिक्षण तथा 6 माह फील्ड वर्क का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वीरा दिनेश कुमार, अपर जिलाधिकारी भू राव, उप जिलाधिकारी सदर प्रखर उत्तम, डिप्टी कलेक्टर सालिकराम, अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बन चुके हैं और उसी के प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जो हमारा शासन प्रशासन चलता है वह मुख्यतः जिस विभाग के आधार पर चलता है उसमें दो विभागों की बहुत मुख्य भूमिका है, एक है राजस्व और दूसरा पुलिस विभाग, और आप उनमें से एक विभाग जो पूरी एक प्रशासन के ढांचे की नींव है, राजस्व विभाग के आप पार्ट बन रहे हैं। और अगर इस विभाग की बात करूं तो इस तो इतना जो आपको अधिकार दिए जा रहे हैं, इतनी जिसको कहते हैं कि पावर दिया जा रहा है, वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आपको दिया जा रहा है। क्योंकि कोई भी अगर अधिकार दिया जाता है किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को, तो उसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों का भी वहन आपको करना पड़ता है। आपके स्तर पर आप जमीन से जुड़े हुए कर्मचारी रहेंगे, आप लोग कुछ एक क्लस्टर के गांव के राजस्व के मामलों के उत्तरदायी होंगे, और राजस्व के मामलों में आपके सभी अधिकार आपको प्राप्त हैं। भू लेखों को नियमानुसार सही रखना, आप सब अधिकतर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए होंगे, आप जानते हैं कि जमीन का की कितनी वैल्यू है ग्रामीण परिवेश में।